नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुख करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर है, जहां मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में तकनीकी संस्थाओं का योगदान अहम है। समाज को इस तकनीक का लाभ देने के लिए तकनीकी संस्थाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। बता दें कि दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि सप्ताह समारोह समेत कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। गोरखपुर हो या फिर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, आपने देखा होगा हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के अंदर 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को लाने में सफल हुआ, लेकिन 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों को जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, उनमें सबसे पहली आवश्यकता तो ये कि इतना ट्रेंड मैन पावर जो भी वहां के लिए योग्य मानव संपदा की आवश्यकता है, क्या उसको देने के लिए हमारी तकनीकी संस्थान आगे बढ़ पाएंगे। तो हर बार की तरह महीने के आखिरी मंगलवार को एलडीए में नागरिक समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मंडलायुक्त रोशन जैकब, डीएम सूर्यपाल गंगवार, एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी समेत सचिव अपर सचिव ने एक छत के नीचे लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आज नागरिक समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों का जमावड़ा देखने को मिला। तमाम अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निदान के लिए अफसरों को दिशा निर्देश भी दिया है। लखनऊ की नागरिक सुविधा दिवस है जिसके आयोजन एलडीए में होता है, जिसमें प्रशासन से जुड़े और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई सारे विभाग भाग लेते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, लेसा है, आवास विकास है, ट्रैफिक है और हमारे नगर निगम है। तो सभी लोग मिल के शिकायतों के समाधान करते हैं, जिससे नाम नागरिक जो कई बार संस्थाओं के बीच के गैप में गिरता है वो ना हो, उनकी समस्याओं का एक एजेंसी ना हो तो दूसरा, और कई सारे शिकायत ऐसे हैं जहां दो एजेंसी को मिलकर काम करनी होती है, उसके समाधान हो। कई शिकायतें इसमें विकास प्राधिकरण की जो प्लॉट अलॉटमेंट्स या उनकी जो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई उसको लेकर शिकायतें हैं, साथ साथ नगर निगम की जो यूटिलिटीज़ है, जो म्यूनिसिपैलिटी की सुविधाएँ हैं उसको लेकर भी कंप्लेंट्स हैं, कुछ तो लेसा, आवास विकास, ऐसे कई सारे सड़क वड़क की समस्या भी आती है। तो हम लोग जो भी शिकायत आते हैं प्रत्येक को दर्ज करके और संबंधित विभाग को भेजते हैं, उसके बाद उनके द्वारा किस प्रकार के निस्तारण किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आज समाधान दिवस रखा गया है। नागरिक समाधान दिवस पर यहाँ पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो फरियादियों की फरियाद है उसको सुनने के लिए खुद लखनऊ कमिश्नर मंडलायुक्त जो हैं रोशन जैकब वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एलडीए जो वीसी हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी वो मौजूद हैं, एलडीए सचिव पवन गंगवार हैं, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ट्रैफिक को लेकर के तो ट्रैफिक एसीपी भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से फरियाद यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं लोग, और यहाँ पर जिस तरीके निस्तारण की बात की जाए जो निस्तारण को लेकर के साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर जोनल अधिकारी हैं या फिर जिस जोन के ओएसडी हैं वो यहाँ पर खुद मौके पर बैठे हुए हैं। तस्वीर आपके सामने है कि जो फरियादी आते हैं उनकी जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं के निदान के लिए तत्काल आमने सामना कराया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए सख्त हिदायत भी दी जा रही है, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो समस्याएं हैं उसका तत्काल समाधान करें या फिर जो वो फाइल है उसकी पूरी जांच करें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो फरियादी हैं जो लगातार काफ़ी समय से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसी तर्ज पे आज जब कमिश्नर यहाँ पे बैठी हैं, कमिश्नर के आधार जो को पूछताछ कर रही हैं, उस पूछताछ में जो उन सुनवाई कर रही हैं उसमें जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर के साफ तौर से जो आमना सामना हो रहा है उसमें अगर साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर जो लापरवाहियां हैं वो लापरवाहियां उजागर होती हैं या फिर जो भी
जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो आरोप साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बुजुर्ग नागरिक समाधान दिवस है, उस समाधान दिवस पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कमिश्नर के पास ज़्यादा पहुँच रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से निस्तारण की जो बात कही जा रही है, उस निस्तारण को लेकर के क्या कुछ समाधान होता है, या फिर जिस तरीके से चक्कर काट रहे हैं लगातार यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आ रहे हैं, उसका निस्तारण होगा या फिर ये फिर से दोबारा चक्कर काटते नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में नागरिक समाधान दिवस के मौके पर डीएम साहब पहुंचे हुए थे। सर, आज जिस तरीके से यहां पर समाधान दिवस था, नागरिक जो पहुंच रहे थे, क्या कुछ समस्याएं का निस्तारण किया गया, क्या कुछ ज़्यादा समस्याएं सर आ रही थी, क्योंकि रजिस्ट्री में देरी आ रही थी काल जो, और निर्माणों को लेकर के जो शिकायतें आ रही थी, कैसे सर क्या कुछ सुनवाई हुई? जन सुविधाओं को लेकर पब्लिक के जो भी ग्रीवांसेज हैं उनको एक समाधान दिवस के माध्यम से यहाँ निस्तारित किया जाता है। यहाँ संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और फील्ड लेवल ऑफिसर्स भी रहते हैं, तो जिन लोगों की जिस प्रकार की समस्याएं थीं उनको यहाँ समाधान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ LDA से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसमें कि कुछ RWAs के हैं, कुछ रजिस्ट्री संबंधी हैं, या कुछ NOC वगैरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ तत्काल तुरंत निस्तारित किए जाते हैं। सर, दो समस्याएं ऐसे देखने को मिली, एक फ्रीहोल्ड को लेकर के सालों से दौड़ रहा था, दूसरा शख्स हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पर पहुँच रहा है, उसका कहना है कि सालों से पैसा जमा हो गया लेकिन जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए वो चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई। ये अभी इन्वेस्टिगेशन करके उसे जो भी कंप्लेंट है उसको निस्तारित किया जाएगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण में नागरिक समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, उसमें जो लोग पहुंच रहे थे यहां पर, मंडलायुक्त के साथ साथ DM और VC भी मौजूद थे। जिस तरीके से कहा गया कि जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा और जाँच भी करवाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम TV, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण समाधान दिवस लगाता है, लेकिन उसमें कितना समाधान होता है उसकी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही। यहाँ पर जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बुजुर्ग दंपत्ति है, ये लगातार सालों से यहाँ पर दौड़ रहा है क्योंकि चलने में असमर्थ है, लेकिन उसकी सुनवाई उससे भी असमर्थ हो गई है। किस मामले को लेकर के यहाँ पर दौड़ रहे हैं, कितने समय से दौड़ रहे हैं, हम खुद बुजुर्ग से बात करेंगे। दादा, ये बताइए क्या नाम होगा आपका? ओम प्रकाश गुप्ता नाम है। ओम प्रकाश जी, ये बताइए आप समाधान दिवस में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कब से लगातार LDA के चक्कर काट रहे हैं? सन 2016 से बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। बहुत परेशान है बेटा, हम चल फिर नहीं पाते, दोनों घुटने का ऑपरेशन कराया, दोनों कूल्हे डॉक्टर ने बेकार बताया है, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बहुत जिंदगी हमारी नरक हो गई बेटा। LDA के अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं जब से आप दौड़ रहे हैं? अरे कैसे हो जाएगा, काम हो जाएगा, अधिकारी पास नहीं गए, बाबू लोग वहीं से टरका देते थे। बाबू लोग क्या कहते थे? कहते थे हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आपका जो मकान है वो कहाँ पर है? हमारा सेक्टर J 1/97 गुलम्बा थाना के बगल में जानकीपुरम कुर्सी रोड पर है। ये बताइए आप इनकी पत्नी हैं, आप लगातार यहाँ पे दौड़ रही हैं, बाबुओं ने क्या कुछ आश्वासन दिया था और कितने समय से आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं? हम अभी एक साल से बहुत दौड़ रहे हैं, एक साल से पैसा भी मेरा जमा हो गया, एक पैसा जमा हो गया बेटा, मेरा कुछ नहीं बचा है। मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही? बस मकान की रजिस्ट्री नहीं होगा, मेरी रजिस्ट्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बहुत परेशान। बाबू क्या कह रहे हैं रजिस्ट्री को लेकर? बस कर दूंगा। कौन है बाबू वहाँ का? अमित श्रीवास्तव, अब पता नहीं कौन आया है, अमित श्रीवास्तव को सस्पेंड हो गए हैं अब या चले गए हैं, हमसे मतलब क्या बेटा, वो सरब नहीं है, कोई दूसरी उनकी सीट पाया है तो उनसे मैं मिली नहीं हूँ अभी, मुलाकात। ठीक, तो जिस तरीके से यहाँ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भले ही समाधान दिवस लगाया गया है, समाधान दिवस में मंडलायुक्त खुद पूरे मामले में पीड़ितों से बातचीत कर रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें देखी, इस तस्वीरों को लेकर के साफ कहा जा सकता है कि जो LDA के जिम्मेदार बाबू बैठे हुए हैं, उनके पास जो दस्तावेज होते हैं, उन दस्तावेजों में को होने के बावजूद भी लगातार पीड़ितों को दौड़ाया जाता है। फिलहाल बुजुर्ग दंपत्ति है, पूरी तरीके से असहज है चलने में, और उसके बावजूद इसको लगातार साल भर से चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लगातार हॉस्पिटल से लेकर के LDA तक चक्कर काट रहा है, लेकिन इसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से आज मंडलायुक्त के रोशन जैकब के पास भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचा है, तो क्या इसका समाधान होगा या फिर इसके बाद भी ये चक्कर काटता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम TV, लखनऊ।
लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली पर की गई अभद्र टिप्पणी को संबल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सड़क छाप बताया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि संसद के अंदर ऐसी बयानबाजी अनपढ़ता की एक निशानी है, ये एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का काम है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है एक बड़ी हाईफाई जगह है, पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का सेलेक्टेड आदमी, जिम्मेदार लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और वो इसलिए कि अपने मुल्क के लिए जो उनका मैसेज हो, इससे मुल्क का सुधार हो और आपस में इत्तेहाद और एकजहती बढ़े। अब खबर बुलंदशहर से है जहां तहसीलदार के पेशकार का बड़ा कारनामा सामने आया। तहसीलदार की अनुपस्थिति में पेशकार ने फर्जी दस्तखत करके 177 वादों का निस्तारण कर दिया। तत्कालीन तहसीलदार संजय कुमार ने मामला संज्ञान में आने पर डीएम को मामले की सूचना दी और शुरुआती जांच के बाद डीएम सीपी सिंह ने पेशकार दीपक गोयल को निलंबित कर दिया। आरोपी पेशकार के खिलाफ एसडीएम ई की अध्यक्षता में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जबकि संजय कुमार वर्तमान में गोरखपुर में सब डिविजन मजिस्ट्रेट है। मेरे संज्ञान में एक प्रकरण आया है जिसमें तहसीलदार खुर्जा के पेशकार श्री दीपक गोयल द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने तहसीलदार के स्वयं हस्ताक्षर करके 150 प्रकरणों में आदेश अपलोड किए हैं। जो तहसीलदार साहब हैं संजय कुमार, जो डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, उन्होंने ही हमको पूरी रिपोर्ट दी है। उस पर प्रथम दृष्टया मैं दोषी मानते हुए, चूंकि उनका स्पष्टीकरण भी लिया गया था, उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया है कुछ प्रकरणों में मेरे द्वारा ये गलती की गई है, उनको निलंबित किया गया है। विभागीय जांच की जा रही है और मैंने ये भी आदेश किया है कि संजय कुमार उनके विरुद्ध FIR कराएं, क्योंकि संजय कुमार के ही दस्तखत दीपक गोयल द्वारा बनाए गए हैं और इसकी और भी विस्तृत जाँच कराई जा रही है। ये अत्यंत ही गंभीर प्रकरण है, क्योंकि कोर्ट में पीठासीन अधिकारी द्वारा ही आदेश पारित किए जाने चाहिए। अब खबर हरदोई से है जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगाई गई मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा हटा दी गई। सपा के जिला स्तरीय नेताओं ने मुलायम सिंह यादव की आदमकद प्रतिमा लगाई थी। प्रशासन को प्रतिमा स्थापित करने की जानकारी हुई तो नगर पालिका ने बगैर अनुमति लगाई गई प्रतिमा को हटाने के लिए नोटिस दे दिया, जिसके बाद रातों रात क्रेन बुलाकर सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को उखाड़ कर समाजवादी पार्टी कार्यालय में रखवा दिया। प्रशासन के मुताबिक नगर पालिका की जमीन पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रतिमा स्थापित की गई थी। नोटिस जारी करने के बाद सपा नेताओं ने प्रतिमा खुद ही हटा ली। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा भी है। बहुत पहले से कार्य चल रहा था, मूर्ति बहुत पहले से लगी थी और उसके पहले लोहिया जी की भी लगी थी, माननीय डॉक्टर लोहिया जी की और फिर नेताजी की, श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का आना होने वाला था, माननीय राष्ट्रपति जी आने वाले थे, तो पता नहीं कहाँ से शासन प्रशासन को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से डर गए या नेताजी से डर गए, ताकि इनको मूर्ति को बगैर किसी समझौते से अंदर करने की कोशिश की। नगर पालिका परिसर में मूर्ति रखी गई थी एक पार्टी राजनीतिक दल के व्यक्तियों द्वारा और बिना अनुमति प्रशासन की इसकी मूर्ति रखने प्रयास किया गया था। जब पता किया गया प्रकरण का तो ये पता चला कि नगर पालिका की निजी जमीन है, नगर पालिका की खुद की जमीन है, उसमें रखा गया था। प्रकरण की जानकारी होते ही संबंधित पार्टी को नगर पालिका द्वारा नोटिस दिया गया और जिन व्यक्तियों द्वारा वो रखी गई थी मूर्ति, उसको उन्होंने विद इन टाइम वापस मूर्ति उठा लिया। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय द्वारा मूर्ति रखी गई थी, नगर पालिका के नोटिस देने के बाद ही उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपनी मूर्ति हटा दी। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ई रिक्शा पर शव ले जाते देखा जा रहा है। शव घर ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से परिजनों को वाहन तक नहीं मिला। इसके बाद बेबस परिजन ई रिक्शा में शव रखकर घर ले गए। मृतक के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़ा किया है। मामला जिले के राट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है।
अगली खबर संभल से है, जहां तेज रफ्तार बुलेरो पिकअप टायर फटने से सड़क किनारे पलट गई है। पिकअप में दो दर्जन लोग सवार थे। हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार तक मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा। इनमें से दो की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बुलेरो सवार गंगा स्नान कर लौट रहे थे। हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर धनारी थाना क्षेत्र के भकरोली गाँव के पास हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां संबल में मोबाइल को चार्जिंग के दौरान 6 वर्षीय बच्चे को करंट लग गया। करंट लगने से वो बेहोश हो गया। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। बेहोश बच्चे को परिजन अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। मामला नखासा थाना क्षेत्र के भारताल सिरसी का है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां वेव सिटी थाना इलाके में आपसी रंजिश में हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया है। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वही गोली मारने वाले घायल के रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं। मामला वेव सिटी थाने के मुस्तफा कॉलोनी का है। घायल के परिजनों का आरोप है कि मोहल्ला पाल पर, जहां पर इरशाद अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तभी उसके रिश्तेदार शाकिर और 4-5 अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने इरशाद से बातचीत भी करनी शुरू कर दी। तभी बातचीत के दौरान गाली गलौज भी होने लगी, जिसके बाद शाकिर उसके अन्य साथियों द्वारा तमंचा निकाल लिया गया। तमंचा देखकर इरशाद बचने के लिए भागने लगा, तभी आरोपियों ने उसे गोली मार दी। गोली इरशाद के बैक साइड में लगी और किसी तरह वो वहां से भागता हुआ अपने घर पहुंचा, जहां उसे परिजनों ने पूरे घटना की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस को जानकारी देते हुए घायल अवस्था में इरशाद को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर हरदोई से है, जहां पिहानी कस्बे में एक 15 वर्षीय किशोरी ने लोक लाज के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। वक्त रहते परिजनों ने उसको देख लिया और आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी ले गए, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हरदोई के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां से उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल सोमवार की शाम को पिहानी कस्बे में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर इलाके के ही मोहम्मद अफजल नाम के युवक ने किशोरी के छेड़छाड़ की। वहां मौजूद भीड़ ने आरोपी को पीटने के बाद स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना से किशोरी काफी आहत थी और इसी के चलते उसने मंगलवार की सुबह अपने ही घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वह अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह का इस मामले पर कहना है कि पीड़िता के परिवार ने लोक लज्जा की वजह से थाने में कोई शिकायत नहीं की और आज सुबह छेड़छाड़ की तहरीर भी मिली है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि जब गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ ने आरोपी को पकड़ पुलिस के सुपुर्द किया था, तो आखिर कैसे आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया। सवाल यह भी है कि क्या पुलिस इस पूरे मामले में अपनी खामियां छुपाने के लिए एक नई स्क्रिप्ट को तैयार कर रही है, जिसकी वजह से उसकी नाकाम वाहवाई में तब्दील हो सके। खबर गाजियाबाद से है, जहां क्रॉसिंग रिपब्लिकन थाना इलाके के सिद्धार्थ विहार में विगत दिनों फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बाइक समेत लूटे गए माल को भी बरामद कर लिया है। दो आरोपियों की इस दौरान गिरफ्तारी भी हुई है। एसीपी सलोनी अग्रवाल ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लोकेश राजपूत नाम का फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय से अनिल यादव और राहुल यादव नाम के दो बदमाशों ने आईफोन मंगवाया था। आईफोन और अन्य सामानों को डिलीवरी बॉय से लूट लिया था, साथ ही डिलीवरी बॉय की बाइक भी लूटी थी। वारदात के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। मामले में सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद दोनों लुटेरों को पकड़ लिया गया और लूट का सभी सामान बरामद कर लिया गया है। ये जो वादी हैं, ये फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का कार्य करते हैं और इनके द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें घटना जो कारित करने वाले दोनों अभियुक्त हैं, राहुल ठाकुर और अनिल यादव, इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और इनके कब्जे से जो ई कार्ट का सारा सामान था वो भी बरामद कर लिया गया है। और घटना में जो प्रयुक्त वाहन था मोटरसाइकिल के साथ में जो ये अल्टो कार थी अनिल यादव की, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।